प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर से लॉन्चिंग करेंगे, जिसके संबंध में जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कृषकों को प्रथम किस्त का भुगतान किए जाने के लिए किसान सेवा योजना में पंजीकृत कृषकों को विवरण राजस्व विभाग से मिलान किए जाने एवं घोषणा पत्र के अनुसार पात्र अपात्र का चिन्हांकन किए जाने का कार्य संबंधित ग्राम के लेखपाल एवं कृषि तथा अन्य विभागों के क्षेत्रीय कर्मियों द्वारा 6 फरवरी से किया जा रहा है। कृषक बंधु संबंधित सत्यापन टीम को अपना संपूर्ण विवरण, बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर सही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे उनका पूर्ण विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसान इस योजना का रजिस्ट्रेशन चरगावां कृषि केंद्र पर करा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सम्मान निधि जो है ये भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो इसके लिए दो तरह के किसान, एक जो हमारे upagriculture.com पे पंजीकृत हैं उनका पहले सूची निकाल के उनका घोषणा पत्र लेके उनका फीडिंग कराया जा रहा है, डाटा लॉक किया जा रहा है। लेकिन जो किसान उस पर पंजीकृत नहीं है उनका अलग से उनका विवरण लेके खतौनी, आधार, पासबुक, सारा डिटेल लेके उनकी फीडिंग शुरू कर दी गई है। तो ऐसे कृषक जो अभी तक पंजीकृत नहीं हैं अपना डाटा लेखपाल के माध्यम से भिजवा सकते हैं या स्वयं आके दे सकते हैं। ये फीडिंग चरगावां में एक DD ऑफिस में हो रहा है, इसके अलावा विकास भवन में भी किया जा रहा, भी शुरू किया गया है। ये लक्ष्य हम लोगों का है कि 20 तक सारे किसानों का फीडिंग कर लिया जाए। ऐसे लघु सीमांत कृषक जो 2 हेक्टेयर तक ही खेत हैं उनको प्रथम किस्त 2000 मिलेगा, टोटल वर्ष में 6000 मिलना है। जी, वर्ष में 6000 मिलना, प्रथम किस्त 2000 जाएगी। 3 किस्तों में मिलेगा, 2-2000 तीन किस्तों में। नहीं, विकास भवन आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेखपाल और हमारे कृषि विभाग के जितने कर्मचारी हैं सब गांव-गांव जा रहे हैं, और अभी जो बचेंगे उनके लिए कैंप भी ब्लॉक स्तर पर लगाया जाएगा, कैंप में भी आ सकते हैं। गांव में वो छूट जाते हैं किन्हीं कारणों से, तो कैंप में आके अपना आवेदन कर सकते हैं।